देवी और सज्जनों, आप सभी को मेरा प्रणाम। जय श्री राम, जय माता दी, जय बजरंगबली, राधे राधे, हर हर महादेव। आप सभी भक्तगण भी बोलिए हर हर महादेव। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि शिव जी के इस मंत्र के बिना अधूरी मानी जाती है उनकी पूजा। आरती के बाद जरूर पढ़ें यह मंत्र। जानते हैं यह मंत्र कौन सा है? आइए आपको बताते हैं इस मंत्र के बारे में। यदि आप सभी श्री गोपाल सेवा समिति यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच सके। हिंदू सनातन धर्म में पूजा के समय मंत्र उच्चारण का बहुत महत्व माना जाता है। शास्त्रों में भी सभी देवी देवताओं की पूजा में अलग अलग मंत्रों के उच्चारण का विशेष महत्व बताया गया है। मंत्र जाप करने या उच्चारण करने का केवल धार्मिक महत्व ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक महत्व भी माना जाता है। मंत्र जाप करने से शरीर में एक प्रकार का कंपन उत्पन्न होता है, जिससे हमारे शरीर में ऊर्जा का प्रवाह होता है। हिंदू धर्म में हर मांगलिक अनुष्ठान मंत्रोच्चारण के साथ ही संपन्न किया जाता है। मंदिरों में दैनिक पूजा में आरती के पश्चात कुछ मंत्रों का उच्चारण विशेष रूप से किया जाता है। एक मंत्र ऐसा भी है जिसके बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। इस मंत्र का उच्चारण अवश्य किया जाता है। आइए जानते हैं इस मंत्र के बारे में। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्र हारम सदा वसंतम हृदय वरिंदे भवम भवानी सहितम नमामि। इस मंत्र में भगवान शिव की स्तुति की गई है। कहा जाता है कि इस मंत्र का उच्चारण भगवान विष्णु जी ने शिव जी की प्रशंसा में किया था। इसका मंत्र अर्थ इस प्रकार से है। कर्पूर गौरम अर्थात कर्पूर के समान गौर वर्ण वाले, करुणावतारम करुणा के जो साक्षात अवतार हैं, संसार सारम समस्त सृष्टि के जो सार हैं, भुजगेंद्र हारम जो गले में भुजगेंद्र अर्थात सर्पों की माला धारण करते हैं, सदा वसंतम हृदय विंदे भवम भवानी सहितम नमामि। इसका अर्थ है कि जो शिव पार्वती के साथ सदैव मेरे हृदय में निवास करते हैं उनको मेरा नमन है। इस मंत्र का एक साथ अर्थ होता है जो कर्पूर के समान गौर वर्ण वाले, करुणा के अवतार हैं, संसार के सार हैं, जो अपने गले में भुजंगों का हाथ धारण करते हैं, वे भगवान शिव माता भवानी सहित मेरे हृदय में सदैव निवास करें और उन्हें मेरा नमन है। पूजा के पश्चात इस मंत्र के उच्चारण का महत्व जानिए। प्रतिदिन मंदिरों में होने वाली पूजा के पश्चात इस मंत्र का उच्चारण अवश्य किया जाता है। भगवान शिव शमशान के निवासी हैं, वे अपने शरीर पर भस्म धारण करते हैं, इसलिए उनका स्वरूप देखने में भयंकर माना जाता है। भगवान शिव की स्तुति में उनके सुंदर और दिव्य स्वरूप का वर्णन किया गया है। माना जाता है माता पार्वती से विवाह के समय स्वयं भगवान विष्णु ने यह स्तुति गाई थी। भगवान शिव सभी देवों के देव हैं, पूरे संसार का जीवन और मरण भगवान शिव के ही अधीन है, इसलिए पूजा के बाद भगवान शिव की स्तुति विशेष रूप में की जाती है। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।